ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम 13 सितंबर की शीर्वदान में आ पहुँचे हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो कलयुग का जो वायुमंडल है उसमें लोगों की सोच, बोल, 5 तत्वों की हालत और दुनिया वालों के आपस में झगड़े, धर्मों के झगड़े, देशों के बीच में झगड़े, धन दौलत की बातें, केसेस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट। और ये वायुमंडल जो है इसका हमारा ऊपर कोई असर ना पड़े, मतलब इसके वाइब्रेशंस का हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े और हम सेफ हैं, उसके लिए परमात्मा आज हमें सिखाते हैं कि हमें स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने ऊपर राज्य करना, अपने मन के ऊपर राज्य करना, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य करना, इनको कंट्रोल में रखना। तो कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भवा। मैं आत्मा, मुझे किसी के गुस्से, किसी के चिल्लाने, किसी के परेशान होने, किसी के ब्लेम करने, इन सारी चीज़ों से मुझ आत्मा के ऊपर असर नहीं पड़ता है, जिस कारण से मैं अपने आँखों से, मुख से, कान से, अपने एक्शन से, अपनी हरकतों से मैं बिल्कुल कूल एंड काम। तो परमात्मा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिससे कोई भी जाता है जिससे कोई भी कर्मेंद्री अपनी तरफ आकर्षित ना करे। मतलब कि आँखों से कुछ अट्रैक्टिव दिखा, नो, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। कान से कुछ सुना, बहुत मीठी मीठी बातें अपने बारे में सुनी, तो मुझे कोई अभिमान नहीं आ रहा है। अपने बारे में बुरा सुना तो मुझे कोई सैडनेस नहीं आ रही है। मुख से मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं राइट हूँ, मैं अपनी जगह में ठीक हूँ, मुझे करना है वो, फिर दुनिया देखी उधर हो जाए। सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहते हैं, मतलब कि उनका आकर्षण से तो एक परमात्मा की तरफ रहता है। उनको किसी को अट्रैक्ट करने की, किसी को प्लीज करने की, किसी को मस्का मारने की, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें परमात्मा से ही सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएँ नहीं होती हैं तो उनको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, किसी इंसान के सामने झुकना नहीं पड़ता है, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता है, उस समय के लिए अपना बना लिया, फिर काम जब खत्म हो गया तो उनको दूर कर दिया, ये है मैनिपुलेशन, ये नहीं करना पड़ता उनको, क्योंकि उनको परमात्मा से सब कुछ मिल रहा होता है। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए, मतलब कि ना किसी व्यक्ति की बहुत खूबियाँ, ना किसी व्यक्ति की बहुत पॉपुलैरिटी आपको अट्रैक्ट करे, क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव कौन है? परमपिता परमात्मा। उनके सामने कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति, कोई बहुत सुंदर कोई फरिश्ता भी अगर आगे आपके सामने आ जाए तब भी आपको अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा से सुंदर कोई है ही नहीं। तो इस लेवल तक हमें पहुंचना है। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं, बिकॉज उनको फिर ये सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं होता, उनका अट्रैक्शन परमात्मा से होता है, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है, उनका सदा तपस्या में रहते हैं वो। वही हंस बगलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं, चाहे हंस हों, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ हों, चाहे बगले हों, चाहे बहुत ही नेगेटिव पर्सनालिटीज़ हों, उन्हें दोनों चीज़ों का असर नहीं पड़ता। ना हंसों से अट्रैक्ट होते हैं, ना बगलों से वो वैर करते हैं या उनसे वो घृणा करते हैं या नफरत करते हैं, नहीं, उनके अंदर ये फीलिंग्स आती नहीं, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, सबके साथ में सबके लिए भला सोचते हैं, चाहे कोई उनके बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन उनका सबके प्रति भला सोचने की उनको आदत होती है। बगलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। सेफ मतलब कैसे रहना? सेफ मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको आके पीट दिया, मार दिया, तो वो सेफ बात नहीं हो रही यहाँ पर। सेफ रहना मतलब कि वाइब्रेशन से सेफ रहना, मन में कड़वाहट से सेफ रहना, मन कड़वा ना हो, मन के अंदर वैर ना हो, मन के अंदर नफरत ना हो, तब जाके परमात्मा के साथ में योग लगेगा, मतलब जुड़ पाएंगे। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते, कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज़ आकर्षित नहीं करती है, कोई बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अट्रैक्ट नहीं करती है उनको, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए तो बहुत खुश हो गए, बहुत नुकसान हो गया तो बहुत सैड हो गए, ये नहीं होते। सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है जब उन्हें किसी से व्यक्ति से कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ प्राप्ति करने की इच्छा नहीं है, जब वो कोई मैनिपुलेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी व्यक्ति को अपना बनाने के लिए, काम निकलवाने के लिए, या किसी व्यक्ति को ठुकराने के लिए जिससे कोई काम नहीं बनता है, जब वो मैनिपुलेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो सदा ही संतुष्ट रहते हैं। उनके अंदर कोई कंप्लेन नहीं होती कि मैंने इसको इतना किया, उसने मैंने क्या किया, मैंने इसको ये हेल्प करी तो उसने मेरे कुछ किया नहीं, अरे ये मेरे हिसाब से करता कि नहीं, इसको मैंने इतना पैसे दिए तब भी ये नहीं करता, ये चीज़ें उनके अंदर रहती हैं। वो जैसा फ्लो हो रहा है वो फ्लो के साथ में चलते हैं और वो बहुत सदा संतुष्ट रहते हैं। ये सब कुछ सिखाया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी में। ये एटीट्यूड तब आ सकता है जब आप परमपिता परमात्मा से आप जुड़ते हैं। ये कोई फेक करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आज दुनिया में क्या सिखाते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं जी, आप फेक नहीं कर सकते हैं, अंदर बाहर एक होना फेक करने से नहीं होता है। ये सब कुछ ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। आप भी आकर सीखिए। ओम शांति के साथ।